नमस्कार। यदि हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी एकाग्रता, धैर्य, परिश्रम और निरंतरता के साथ प्रयत्न करते रहें, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने आदरणीय पिताजी के द्वारा रचित एक सुंदर कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेरणा। पथिक राह पर चलते चलते रुक जाएगा, फिर कैसे वह अपनी मंजिल पाएगा। लक्ष्य अगर अर्जुन जैसा ना होगा तो शिष्य द्रोण का सबसे प्यारा कैसे बन पाएगा। ठिठक ठिठक कर चलना आदत हो यदि, फूलों सापत कांटो जैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं अलभ्य उसे हो सकता है, बिना रुके जो आगे को बढ़ता जाएगा। संभव है राहों में कांटों का साथ मिले, और सहारे को ना कोई हाथ मिले। दीपक ना हो राह हमें दिखलाने वाला, चलने का भी हुनर कोई बतलाने वाला। धैर्य साथ हो और निरंतरता कछुएसी, फुर्तीला शश भी पीछे रह जाएगा। लक्ष्य अगर अर्जुन जैसा ना होगा तो शिष्य द्रोण का सबसे प्यारा कैसे बन पाएगा। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।